वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 है ये, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो दो क्लास हमने लिया था, ठीक है, लेकिन फिर से ऑनलाइन क्लासेस की सूचनाएं हो गई है, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है, और नोट्स भी बनानी है तो वीडियो को पॉज करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आ रहे हैं, व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, भाई केमिकल रिएक्शन है क्या, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन, ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस वेयर द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स व्हिच मे बी द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्रिस्टल्स। बताया गया केमिकल रिएक्शन वह प्रोसेस है जिसमें एनी एलिमेंट्स, कंपाउंड, कोई भी चीजें जो है, ठीक है, आपस में कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन करता है, उसी को बताया गया है केमिकल रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट बताए हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल रिएक्शन को राइट डाउन कैसे करनी है, कैसे लिखा जाता है केमिकल रिएक्शन को। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं जो बुलेट्स बना हुआ है कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस वेयर द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स व्हिच मे बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिस्टल्स। सेकेंड पॉइंट में है, ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स टू एंड एरो प्लेस बिटवीन देम। सेकेंड बताया गया कि जब कभी भी हम रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है एलिमेंट्स यानी कंपाउंड, कोई भी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा, या एलिमेंट्स हो या कंपाउंड हो, ठीक है, तो पार्टिसिपेशन करने वाले जो होते हैं, ठीक है, वह कहलाते हैं रिएक्टेंट। और उसके बाद एरो यूज किए जाते हैं, तो एरो के बाद वाले जो चीज़ें दिखते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, चलिए पहले हम बुलेट्स को क्लियर कर लें उसके बाद एग्जांपल बताते हैं। थर्ड में है, द रिएक्टेंट आर राइट ऑन द लेफ्ट हैंड। रिएक्टेंट जो होती है हमेशा उसे जो है रिएक्टेंट को LHS, ठीक है, और उसके बीच में हम प्लस साइन डालेंगे, और उसी तरह से सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑफ द राइट हैंड RHS विद द प्लस साइन इन बिटवीन देम। तो रिएक्टेंट को हमेशा हमेशा के लिए लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है उसे राइट साइड में लिखी जाती है, ठीक है। और फोर्थ बुलेट्स है, फोर्थ पॉइंट है, द एरो पॉइंट टुवर्ड इन द प्रोडक्ट्स एंड शो इन द डायरेक्शन ऑन द रिएक्शन। देखिए हम यहाँ पर एक लिख रहे हैं, देखिएगा थोड़ा कलर चूज कर लेते हैं इसका, C+O2 दिख रहा है। तो देखो C+O2 इसे हम कहाँ लिखे हैं भाई, तो लेफ्ट साइड में स्टार्ट किया है, कहाँ किया हमने स्टार्ट, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन, और सेकंड क्या है, ऑक्सीजन है। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या यूज किया, प्लस साइन, तो प्लस साइन यूज करना मस्ट है, उसके बाद एरो यूज करनी है, और ये दोनों से मिलकर के क्या बनी है, तो हम देखते हैं ये दोनों से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो CO2, ठीक है। तो ये कहलाते हैं, जो ये साइड है ये कहलाते हैं रिएक्टेंट, क्या कहलाते हैं, रिएक्ट
कंटेंट कहलाते हैं और ये कहलाते हैं आपका प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट कहलाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो यही आपका रिएक्शन है। ठीक है, क्या है? रिएक्शन है। तो इस तरह से जो है हम आपको बताएं कि भाई कभी भी जो है, ठीक है, याद रखिएगा, इक्वेशन लिखते समय जो है या रिएक्शन कभी भी लिखा जाएगा तो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा एलिमेंट से कंपाउंड उसे लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, इसको LHS कहते हैं, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसे राइट साइड में यानी RHS में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक्स हमारे पास हैं वह हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। हम कैसे जाने, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचान करें, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? पहचान तो होनी चाहिए ना कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए इसके लिए हम कुछ पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। तो पहला आप देख पा रहे हैं, अ केमिकल रिएक्शन इज आइडेंटिफाई बाय एनी ऑफ दीज फोर फैक्टर्स। देखो यहाँ पर फोर फैक्टर्स को हमने इंडिकेट किया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये फोर फैक्टर्स क्या क्या है। तो पहला है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। अगर कोई भी रिएक्शन में अगर स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आपको समझ लेना है कि भाई रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कल हमने ये चीज़ों का डिस्कशन किया था ऑफलाइन क्लासेस में। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि चेंज इन स्टेट में क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। ये है, वन मिनट, H2 + O2। ठीक है, एरो H2O। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर H2 जो आपको दिख रहा है ये H2 है। तो H2 कौन सा फॉर्म में है भाई? तो गैस फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। O2 कौन से फॉर्म में है? तो ये भी क्या है? गैस फॉर्म में है। तो और H2O जो है, क्या है? H2O जो है वह किस फॉर्म में है? तो लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? तो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ कि लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड में है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना कि इसमें क्या हो रहा है भाई, चेंज इन स्टेट। और स्टेट क्या हो गया? बदल गया। पहले गैस जो था वो गैस अब किस में कन्वर्ट हो गया है? तो गैस कन्वर्ट हो गया है लिक्विड में, हो गया किस में? हो गया लिक्विड में हो गया। तो यही चीज़ें तो था पहला पॉइंट में। पहला पॉइंट में क्या बताया गया कि चेंज इन स्टेट। फर्स्ट में क्या बताया गया? चेंज इन और स्टेट बताया गया। यानी अगर स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि रिएक्शन हो रही है। सेकंड पॉइंट है चेंज इन कलर। सेकंड पॉइंट क्या रही है? चेंज इन कलर। ठीक है, तो चेंज इन कलर में देखते हैं कि जब अगर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, दो चीज़ें मिली है और दोनों चीज़ें मिलने के बाद जो है कलर बिल्कुल बदल रही है, मतलब साफ पता चलता है कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं, इसका भी एक एग्जांपल हम दे देते हैं आपको। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने कुछ लिखा है चेंज इन कलर के लिए कि जब हम, ठीक है, क्लोरीन Cl2 और पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड को आपस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि वेन कलर वाटर कलर जो है क्लोरीन का, ये वाटर कलर है, इसका कलर कैसा है? इलोइश रहेगा।
क्लोरीन का जो वाटर कलर जो यहाँ पर है, क्लोरीन जो है Cl2, उसका कलर होता है लुइस। तो लुइस कलर प्लस Ki, Ki जो है वो पोटेशियम आयोडाइड है और यह कलरलेस होता है। ये जो होती है कलरलेस होती है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ब्राउन कलर, ठीक है, तो ब्राउन सॉल्यूशन बनती है। तो ब्राउन कलर किसका है भाई? तो ब्राउन जो कलर दिखता है, ठीक है, वह किसका है? तो आयोडीन का है। तो आपने देखा कि हमने भी बताया कि क्लोरीन ये Cl2, ठीक है, Cl2, ये Cl2 जो है और पोटेशियम आयोडाइड आपस में मिलता है, ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड जो होती है कलरलेस होती है। तो बनने वाले जो फॉर्मेशन है पोटेशियम क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोराइड है। तो पोटेशियम क्लोराइड जो यहाँ पर जो दिखाया गया है, ठीक है, और यहाँ पर आयोडीन, तो आयोडीन कैसा हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है भाई कि जब कोई दो या दो से अधिक चीज़ें मिलती है तो कलर भी क्या होती है? चेंज होती है। कलर भी क्या होती है? चेंज होती है, ठीक है। वही बोला गया था चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। जब गैस निकलेगा दो या दो से अधिक जो एलिमेंट से कंपाउंड आपस में कंबाइन करके रिएक्शन करते हैं तो उस ड्यूरेशन जो है आपका गैस भी रिलीज होता है, ठीक है, गैस भी रिलीज होता है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का। तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई अगर जिंक मेटल्स को मैग्नीशियम आयरन में अगर डालते हैं, या कह सकते हैं कि जिंक मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, ये सबको अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर डालते हैं तो वहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। फिर से बताते हैं, या तो कोई यानी मेटल्स हो उसे एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ से जो है आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, जो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये है Zn, ठीक है, Zn प्लस HCl, HCl, Zn को किस में डाला गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो यहाँ से रिएक्शन होता है तो बनता पहले क्या है? Zn Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगा? रिलीज होगा। क्या होगा? रिलीज होगा। तो याद रखिए कि जिंक मेटल रिएक्ट ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के समय जो है अगर गैस निकलती है तो ये साफ पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अगर तापमान में भी बदलाव अगर आ रही है तो आपको समझना है कि रिएक्शन हो रही है। चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल हम देते हैं, CaO प्लस H2O, आप यहां पर देख प्लस हीट हो जाएगा। देखिए स्क्रीन पे थोड़ा लिखे में परेशानी होती है इसलिए आपको समझ लेना है, ठीक है। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि फोर्थ में था चेंज इन टेम्परेचर, यानी जो रिएक्शन अगर होगी, ठीक है, तो उसमें टेम्परेचर में भी बदलाव आएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, आप देख पा रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, यानी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट ऑफ वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रा
ऑक्साइड प्लस हीट, तो हीट रिलीज यहाँ हो रही है। हीट क्या हो रहा है? रिलीज हो रही है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर? चेंज इन टेम्परेचर रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca(OH)2, ठीक है, प्लस हीट। याद रखिए ये चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हार्ड टू बी आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जितनी भी चीजों को बताई जाती है उसे अच्छी तरह से पूरी लगन से आप वीडियो को देखिए, जिससे आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है, और आप अच्छी तरह से जो है समझ पाएंगे। इसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट्स है बट हमसे छूट गई है, ठीक है। आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो क्लास में कल हमने बताया भी था और लिखवा भी दिए थे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक, ठीक है, मेटल्स या कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करने के बाद उसमें कुछ प्रेसिपिटेट, ठीक है, कुछ पपड़ी जैसी जो है उसके सबसे ऊपरी लेयर पे, ठीक है, रिएक्शन जिसमें अगर हो रही है तो उसके कंटेनर में सबसे ऊपर परत पे जो है वो दिखता है, वही क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो आपको हमने चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये चार पॉइंट यहाँ दिख रहा है। पांचवा हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में भी डिस्कशन किया, ठीक है, जो वेरी सिंपल से आप उसको आसानी से जो है कर सकते हैं, ठीक है। और सभी का एग्जांपल जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, सभी का एग्जांपल भी आपको लिखना है, ठीक है, कॉपी में जब इसको नोट ऑन करते हैं तो वहीं एग्जांपल भी आपको लिखना है, ओके। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कण, नाइदर वी क्रिएट नोर इन द डिस्ट्रॉयड एट द केमिकल रिएक्शन, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स है। कंजर्वेशन ऑफ मास बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कण नाइदर इन द क्रिएट नॉर इन द डिस्ट्रॉय द केमिकल रिएक्शन, यानी ना तो मास जो होती है नहीं तो बनती है और ना ही डिस्ट्रॉयड होती है, ठीक है, वह सिर्फ उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नोर इन द डिस्ट्रॉय द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये देखिए, तो ये लॉ भी याद होना चाहिए, ठीक है, इसे कहा गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ मास, ये एक नियम है। नेक्स्ट पॉइंट है राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, हम केमिकल रिएक्शन को लिखें कैसे। चलिए इससे पहले हम बता देते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन है क्या, ठीक है, केमिकल इक्वेशन है यहाँ पर आप देख पा रहे राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, या यहाँ पर जो है आप इसको कह सकते हैं राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ डिफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है, तो रिप्रेजेंट ऑफ द सिंबल एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला, ठीक है, यानी अ केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। जब हम किसी इक्वेशन रिएक्शन को जो है उसको शॉर्ट हैंड फॉर्म में जो है उसके सैम्बल या फिर मॉलिक्यूल्स फार्मूला के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करते हैं उसी को कहा गया केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल इक्वेशन होगा। केमिकल रिएक्शन क्या है भाई, तो देखिए जब हम जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ओ टू आर ओ एम जी ओ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। इसी को अगर हम बताते वर्ड में कि मैग्नीशियम रिएक्ट ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, ये जो हो गई एक लंबा बोलने का तरीका हो गया। तो उसी के अगर हम मॉलिक्यूल्स फार्मूला या उसके सैम्पल के थ्रू अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वह क्या बन गया हमारा,
केमिकल इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट पॉइंट में हम देख पा रहे हैं कि भाई अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इफ यू रिकॉल फार्मूला और मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटेन एज। हम कैसे लिखेंगे उसे, जैसे अभी हमने जस्ट बताया कि मैग्नीशियम रिएक्ट ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो रिप्रेजेंट ऑफ शॉर्ट हैंड, इसका क्या हो गया जो हमने बोला उसका शॉर्ट हैंड क्या हो गया, Mg+O2 एरो MgO, ठीक है। यहाँ पर जो है इक्वेशन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, इसको सही करना है। इसीलिए यहाँ पर हम अभी इसको बैलेंस करने वाले जो प्रोसेस को हम नहीं बता रहे हैं, हम इसके आगे प्रोसेस में बताएंगे। ओके, अब देखिए आप क्या आ गया, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए। उससे पहले बता देते हैं केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है इनबैलेंस, ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम यहाँ पर जो है हमारे टॉपिक्स जो दिख रहे हैं वह है बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन जहाँ है वहाँ पर इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देना है, इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बैलेंस करने के कुछ इसके ट्रिक्स हैं जो यहाँ पर फॉलो किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड इच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस विद द बैलेंसिंग द इक्वेशन। सेकेंड है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। थर्ड है, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड द कंटेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ द आइटम्स इफ मे बी द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इफ द कंपाउंड सेलेक्ट इन द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। तो बैलेंस करने के लिए हमने जो है कल क्लास में सिखा दिए थे, ठीक है। कल जो है हमने बैलेंस करने के लिए क्लास में सिखाए थे कि कैसे बैलेंसिंग करनी है इक्वेशन को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ हमारे पास अगर अनबैलेंस रहेंगे तो उसको बैलेंस कैसे करनी है। तो फाइनली टू चेक इन द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। पहले हमें क्या करनी है, अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ, सपोज दैट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम एक इक्वेशन आपको दे रहे हैं H2+O2 H2O, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या आपका है, इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये इक्वेशन आपका बैलेंस है या अनबैलेंस, ये कैसा पता करें। तो पता करने का वेरी सिंपल मेथड है, पहले क्या करना चाहिए, तो ये क्या है भाई, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये LHS है और ये RHS है। ओके, तो LHS वालों को रिएक्टेंट कहा जाता है और RHS वालों को प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो पहले LHS वालों का जो है, हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका एटम सिटी को काउंट करते हैं। किसको काउंट करेंगे, एटम सिटी को। तो चलिए ये एटम सिटी को हम काउंट करके आपको दिखा रहे हैं यहाँ भी। ओहो सॉरी, H2O होगा है ना। तो देखिए हाइड्रोजन, H का एटम सिटी कितनी है, तो H देखिए, तो ये है हाइड्रोजन, तो H के एटम सिटी 2 है, तो 2 एंड नोट डाउन किए। यहाँ प्लस दिख रहा है, प्लस हम यहाँ भी लगाएंगे। ऑक्सीजन का एटम सिटी कितनी है, 2 है, यहाँ 2 लिख दे, दोनों को जोड़िए कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, यानी 2+2 4 हो गया, एरो है यहाँ। उसी तरह से यहाँ हाइड्रोजन का कितना एटम सिटी है, तो 2 है, तो 2 हो जाएगा प्लस। ऑक्सीजन का एटम सिटी कितनी है, तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 होता है लेकिन 1 को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो 1 हो गया। तो दोनों का ऐड करेंगे कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखिए LHS में कितना है एटम सिटी हमारा, 4, लेकिन वही RHS में कितना आया,
तो 3 आया, मतलब साफ पता चलता है कि LHS not equal to RHS, LHS और RHS का वैल्यू सेम नहीं है, जिसके कारण हमारा दिया हुआ इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन है वह बैलेंस में नहीं है। तो नहीं है तो ऐसे इक्वेशन को अनबैलेंस इक्वेशन कहा जाता है, और अगर अनबैलेंस इक्वेशन है तो उसे बैलेंस करना वेरी मस्ट होता है, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इसको बैलेंस करके दिखाते हैं इस इक्वेशन को। ओके, तो बैलेंस कैसे करनी है तो देख लेते हैं बैलेंस करने के लिए क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो जो भी मेथड हम बताएंगे उसे ध्यान से देखिए, वीडियो को समझिए। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक पार्टीशन पहले देनी है। ठीक है, और LHS और RHS यहाँ नोट डाउन कर देंगे ऊपर में। उसके बाद LHS में देखेंगे कि LHS में हमारा कितना एलिमेंट्स था, तभी हमने जस्ट बताया था कि H2, चलिए इसको छोड़ते हैं, अब यहाँ पर इक्वेशन हमारा लिखा हुआ है इसी को देख लेते हैं। देखिए क्या था हमारा, फिर से लिख ही लेते हैं। अच्छा, H2 प्लस O2 एरो H2O ये था हमारा। ठीक है, तो हाइड्रोजन की कितना था भाई, तो हाइड्रोजन का 2 था, कितना था 2, यहाँ लिखेंगे H डैश लिखेंगे 2। ऑक्सीजन के कितना था तो डैश 2। RHS में कितना था हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 2 था, 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन का कितना था 1 लिख देंगे। ठीक है, अब करनी क्या है आपको यहाँ पे, आपको जो है यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ ऑक्सीजन 2 दिखा रहा है, इसे किसी हाल में हमको, ठीक है, राइट साइड में भी 2 कर देना, देखो तभी तो हमारा बैलेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो ये अनबैलेंस है। या फिर कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसको हम 1 कर दें, कोई भी इंटीजर्स लेना होगा। ठीक है, तो इसको लेने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम राइट साइड वाले ऑक्सीजन को अगर 2 से मल्टीपल्स कर दें, कितना से 2 से अगर मल्टीपल्स कर दें तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये साइड राइट साइड वाले जो हैं, राइट साइड वाले क्या है, H2O है, क्या है H2O है। अगर इसको 2 से मल्टीपल्स करते हैं ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन भी तो 2 से मल्टीपल्स हो जाए, क्योंकि दोनों क्या है साथ साथ कंपाउंड है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना, अगर ऑक्सीजन को हम 2 से मल्टीपल्स करते हैं तो हाइड्रोजन को भी कितना से करना पड़ रहा है हमारा 2 से। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, राइट साइड में ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अब क्या हुआ, राइट साइड में हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितना हो गया 4 हो गया, लेकिन लेफ्ट में कितना है 2 है, इसीलिए उसे बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट में भी 2 से मल्टीपल्स कर देते हैं। अब जरा काउंट करिए, हाइड्रोजन में कितना 4 लेफ्ट में, तो राइट में भी हाइड्रोजन का कितना 4 हो गया, ऑक्सीजन का कितना लेफ्ट में 2, तो 2 हो गया, और राइट में भी ऑक्सीजन की कितना 2 हो गया। मतलब ये हमारा श्योर है कि हमारा ये केमिकल रिएक्शन जो है, इक्वेशन जो है, वो हमारा बैलेंस हो गया है। तो बैलेंस करने का प्रोसेस क्या है, तो ये ध्यान रखना है कि हमने किस लेफ्ट में और राइट में कितना इंटीजर्स किसके साथ लगाया है। तो देखिए लेफ्ट में जो है हाइड्रोजन्स को हमने 2 से मल्टीपल्स किया, ठीक है, और राइट में भी हमने कंपाउंड के साथ 2 से मल्टीपल्स किया, मतलब इसको अब ऐसे लिखना है 2H2 देखो प्लस O2 एरो हो जाएगा 2H2O हो जाएगा हमारा। ओके, समझ में आया, तो देखो यहाँ पर दिखा दिया गया है कैसे नोट डाउन करनी है। तो देखो 2H2O हो गया, O2 हो गया और 2H2O हो गया। तो देखो अभी कितना हाइड्रोजन का हो गया 4 हो गया, 2 to the 4। ऑक्सीजन की कितना हो गया 2 हो गया, उसी तरह से 2H2O में कितना हो गया, तो आप देख पा रहे होंगे 4H+2। इस तरह से जो है आपका ये बैलेंस हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, आपको दिखाना होगा बैलेंस कर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, सपोज दैट Mg रिएक्ट ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ MgO, इसे भी इसी तरह से करना है सॉल्यूशन, LHS लिखेंगे और RHS लिखेंगे। ओके, और देखेंगे Mg का क्या है भाई, तो Mg का कितना है
वन है, ओ का कितना है तो टू है। राइट साइड में देखेंगे एम जी का कितना है, वन है, और ओ का कितना, वन है। तो इस समय क्या करना है, दोनों साइड हमेशा यहाँ अगर लेफ्ट में एम जी वन है तो राइट में वन होना चाहिए ओ में। तो देखते तो इसके लिए क्या करना, अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ पहला में टू से अगर मल्टीपल कर दें तो ये एक ही कंपाउंड है ना, तो इसमें भी टू से हो जाएगा और इसमें भी कितना से हो जाएगा, टू से हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन हमारा हो जाएगा 2mg प्लस ओ टू एरो 2mgO। ओके, ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो जाता है। तो आई होप आज आपको बैलेंस इक्वेशन के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में जो है, ठीक है, हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो का पूरा देखें, थैंक यू।